अर्गजा पांडे स्थित ठाकुर के इस गांव में अर्गजा पांडेपुर जनपद मिर्जापुर विंध्याचल के इस गांव में गौशल एक्ट 14A के तहत इस मकान कमलेश मौर्य अपने अपराधी कृत्यों से उसके हुए आर्थिक लाभ से बनाया गया है, जिसके आधार पर पुलिस की 23 पुलिस की जांच और रिपोर्ट के आधार पर जिलाधिकारी मिर्जापुर द्वारा परसों पूरी प्रॉपर्टी को कल अमित माली के और इसी अमित माली का साथी रही कमलेश। आज स्थिति को एसडीएम सदर सीओ सदर सीओसीडी एसपी सभी का खुद और इंस्पेक्टर विंध्याचल इंस्पेक्टर कुतल बिहार इंस्पेक्टर पर्री तथा हमारे पूरे स्टाफ के साथ आज इसको पूर्ण करने की कार्रवाई आपके सिखाने पर इसी व्यक्ति द्वारा आर्थिक लाभ को क्राइम करके कमाया गया था। आर्थिक लाभ जो अर्जित किया गया था उसमें दो गाड़ियां एक सीवी महिंद्रा की और एक और गाड़ी जिसका नाम मुंबई है वो गाड़ी पूरे मिलाकर के लगभग 20 लाख रुपए की सर एक अभी आ रहे हैं एक फोटो खींच लो खड़े हो जाओ अभी सर क्या खड़े हो जाओ इसका सील वाला चलो देखिए आप जैसा कि देख रहे हैं मैंने अभी आपको अनाउंस भी किया डुगडुगी बजा करके ये अनूप मालवी का एक गैंग लीडर जो हमारे यहाँ रजिस्टर्ड है इस पर आबकारी अधिनियम के तहत तमाम अभियोग दर्ज हैं उसी का ये सह अभियुक्त है और साथी अभराती रहा है ये भी गैंगस्टर एक्ट में मुलजिम है जो कमलेश मौर्य जिसका नाम है और इसी अर्गजा पांडे थाना विंध्याचल जनपद मिर्ज़ापुर का निवासी है। विधिसम्मत ढंग से इसकी प्रॉपर्टी को हम लोगों ने पता किया कि इसकी प्रॉपर्टी कहाँ पर है। इसकी प्रॉपर्टी दो पता चली, एक तो ये कि ये नवनिर्मित मकान था इस अर्गजा पांडे में इस ये आराजी नंबर पर, साथ ही साथ दो गाड़ियाँ थी इंजॉय और एक्सयूवी 300 महिंद्रा की, वो गाड़ियाँ भी लगभग 50 लाख दोनों मिलाकर के जिसकी प्रॉपर्टी का मूल्य था उसको आज 14A गैंगस्टर एक्ट के तहत सीज किया गया है, कुर किया गया है। इसका आदेश जिलाधिकारी मिर्ज़ापुर द्वारा परसों दिया गया था जिसके क्रम में आज ये कार्रवाई SDM सदर CO सदर सिटी मजिस्ट्रेट और हमारे तीन कोतवाल विंध्याचल देहात और पढ़री के और तमाम हमारे स्टाफ के सामने ये किया जा रहा है। निश्चित तौर से ये मैसेज है कि आपराधिक कृत्य द्वारा कमाए गए अर्जित धन और हमारे अगर ये जांच से पाया जाता है तो हम उस पर विधिक कार्रवाई करते हुए ये कुर करने की कार्रवाई संपन्न करते हैं, यही मैसेज है।